गाइस, कैसे हो आप सब? आई विश बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है या व्लॉग है वो मैं हिंदी में शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आप हिंदी में भी व्लॉग बनाइए ताकि उन लोगों को समझने में आसानी होगी। तो कुछ व्लॉग आज के बाद से मैं हिंदी में बनाऊँगी और उसको बंगाली में भी बनाऊँगी। मतलब कुछ व्लॉग हिंदी में होगा, कुछ बंगाली में होगा, ठीक है? तो आप सबको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। तो आज जो व्लॉग मैं बना रही हूँ वो मैं ऑफिस में आके ही मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगी, और वो व्लॉग ये है कि आज मैं ऑफिस में क्या खा रही हूँ उसके ऊपर बनाऊँगी बेस करके, ठीक है? मतलब लंच में मैं क्या लाई हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस में जो जो भी खाऊँगी वही आज आपको दिखाई देगा व्लॉग में, क्योंकि मैं ये शूट करूँगी और रात को सबमिट करूँगी, मतलब अपलोड करूँगी। ऑफिस में हूँ ना, इसीलिए सबमिट निकल गया। तो आप लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ रहने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। बहुत सारी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है मुझे, तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए व्लॉग को। मिलती हूँ आप सबको लंच में। लंच में मेरे पास है आज चावल, और चावल के साथ है एक फुल फ्राइड अंडा, और उसके साथ है परवल की भाजी और आलू की भाजी। सिर्फ नमक और हल्दी मिला के ये मम्मी बनाती है, तो ये मैं खाऊंगी आज, और ये मेरा आज लंच का आइटम है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका लंच मेनू आज क्या है, ठीक है? बहुत दिनों के बाद आज मैं चावल लाई हूँ, और मम्मी सुबह 5 बजे उठ के ये बना के देती है मुझे। तो वो जो भी बनाती है, और माँ के हाथ का खाना मतलब बहुत स्वादिष्ट होता है, जितना भी वो सिंपल बना के दे लेकिन वो लाजवाब होता है खाने में। मानते हो ना आप लोग भी ये? ये वीडियो बनाने का एकदम ही प्लान नहीं था, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं खुद भी बोर होऊंगी अकेले खाते खाते, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लूं तो अच्छा भी लगेगा, वही जो मैं करूंगी वही आपके साथ भी शेयर करना है, तो इसीलिए मैंने बना भी दिया। और देखो ना, मैं मिर्ची खा ली, बहुत तीखी थी। आपको पता है आज मुझे एक कप भी चाय नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे चाय के दुकान बंद है, और जो सुबह मैं चाय पीती हूँ वो भी स्किप हो गई, और जो दोपहर को 3-3:30 बजे हमको मिलता है चाय वो भी आज नहीं मिली। तो बहुत परेशानी है, सर में बहुत बहुत दर्द भी हो रहा है, पता नहीं मुझे 7-8 बजे तक यहीं पे रहना है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और ये है मेरी इवनिंग का स्नैक्स, जो है एक कुकी, उसमें थोड़ा सा चॉको चिप्स भी मिलाया हुआ है, इसको मैं आज इवनिंग में स्नैक्स में खा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि उस कुकीज़ के वीडियो को दिखाने के बाद वो मैंने क्यों नहीं खाया, मतलब वो खाने का पोर्शन ही तो आना था ना। लेकिन आपको पता है, मैं जब वो व्लॉग करने वाली थी, मैं व्लॉग के लिए कैमरा वैमरा सब ऑन कर दिया, लेकिन
क्या है, रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन करना ही भूल गई और मैं बिना रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन किए उसको खाने लगी, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैं जब वीडियो को ढूंढ रही थी तो मेरे को नहीं मिला। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और मेरे पास दूसरा कोई कुकीज़ था भी नहीं कि मैं उसको खाऊँ और खा के मतलब एक और नया वीडियो करूं। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत गुस्सा अपने आप पे आया और मैंने ऑफिस में मेरी एक भैया है उसको भी मैंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। तो मेरी इस गलती को आप लोग प्लीज़ माफ़ कर देना और मैं नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान में रखूँगी कि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और मेरा ये हिंदी वाला वीडियो कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक नया वीडियो के साथ एक नए दिन में हम हाज़िर हो जाएंगे फिर से। तब तक के लिए अलविदा। और आपको बताते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको जो बुरा लगे, अच्छा लगे, जो भी आपको ठीक लगे, मतलब आपको जो बोलने का हक है, हर चीज़ बोलने का हक है, तो आप जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो या फिर मेरे फेसबुक आईडी का लिंक भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। खुश रहना और सही से रहना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।